परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11th और मैं हूं जीवन लाल मौर्य। क्लास 11th फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। और इस विश्लेषण के चैप्टर में हमने आपको थोड़ा सा भाग पढ़ाया है, मात्रकों की पद्धतियों के बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन आज हम आपको इसका लिखित वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि वर्तमान समय में मात्रक के पद्धतियों की कुछ पद्धतियां प्रचलन में हैं, जिनमें से हमने तीन पद्धतियां बताई थी। तो वो पद्धतियां हैं CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति। अब इसमें आपका है सबसे पहले CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में हमने आपको बताया था कि इस पद्धति में सी में सेंटीमीटर, तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड है। यानी यदि किसी भी सीजीएस पद्धति में किसी हम राशि को व्यक्त करना चाहें, जैसे अगर हम लंबाई को व्यक्त करना चाहें तो सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करेंगे और समय को सेकंड में व्यक्त करेंगे। इस प्रकार से MKS पद्धति में किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकंड में प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक होता है फुट, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब देखिए, यहाँ आपने जो CGS, MKS और FPS पद्धति पढ़ा, इन पद्धतियों में आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति है, MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है, FPS पद्धति में फुट पाउंड सेकंड पद्धति है। और इन सभी पद्धतियों में देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये तो आप सामान्य है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सबसे छोटी इकाई है, MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड है, तो एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, या एक सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10^-2 मीटर। इसके बाद एक किलोग्राम होता है या 1000 ग्राम के, या एक ग्राम बराबर हो जाएगा 10^-3 किलोग्राम के। इस प्रकार से सेकंड आपका सेकंड में ही है, सेकंड सबसे छोटी इकाई है और सबसे छोटी इकाई रहेगी। अब सेकंड आपका अगर मिनट में दिया है तो एक मिनट बराबर होता है, एक मिनट ये बराबर होता है 60 सेकंड, एक घंटा बराबर होता है 60 × 60 सेकंड। घंटा और मिनट में दिया है तो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी दोनों इकाइयां ये यहाँ पे प्रदर्शित हैं। मीटर को मीटर और किलोग्राम को हमने सेंटीमीटर और ग्राम में, या सेंटीमीटर और ग्राम को मीटर और किलोग्राम में बदल करके दिखा दिया। इसके बाद आपका बच रहा है FPS, FPS में आपका है फुट पाउंड सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड में देखिए बहुत ही आसान है, एक फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर, या इसको हम 30.5 कह सकते हैं, या इसको हम केवल 30 कह सकते हैं। ठीक, एक फुट बराबर, फुट मीन्स वही फीट, एक फुट बराबर 30 सेंटीमीटर होता है, और एक फुट को हम 12 इंच भी कहते हैं, 12 इंच बराबर एक फुट होता है, और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब इन्हीं का गुणा कर लीजिए, 2.54 में 12 का जब गुणा करेंगे तो 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60 और 4 = 64। ठीक, 12 × 5 = 60, 4 = 64, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, 24 × 64 = 4 होगा, 12 × 2 = 24 = 30। तो कितना आया, 30.48 आया, और ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि एक फुट में 12 इंच होता है और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर हुआ, तो 12 इंच में कितने सेंटीमीटर होगा, 12 इंच में 2.54 से गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर में आएगा, और ये आया 30.48। इसको हम केवल 30 सेंटीमीटर तक ही ले सकते हैं अप्रॉक्स, यानी लगभग, यानी एक फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से पाउंड में आप देखिए, एक पाउंड में 454 ग्राम होता है, 454 नहीं 453.48 होता है, लेकिन इसको हम 454 लिखे हैं, यानी ये आपका जो है 453.48 ग्राम है,
और इसको हमने क्या लिखा है, चार आठ को जब दशमलव को हटाएंगे यानी केवल संख्या में मान लिखेंगे, दशमलव संख्या नहीं लिखेंगे, तो उस स्थिति में 454 ग्राम आएगा। इसके बाद दो पाउंड में 907 इसी का दोगुना हो गया। ठीक, दो पाउंड में 907 ग्राम होता है, इसका दोगुना किया गया, इसका नहीं, इसका दोगुना करेंगे तो 907 आएगा। इसके पश्चात तीन पाउंड में 1 किलोग्राम 361 ग्राम होता है। तीन पाउंड जब पाएंगे आप, तब जा कर के 1 किलोग्राम 361 ग्राम के बराबर होगा। और यहाँ किलोग्राम नहीं है इन दोनों में, ये किलोग्राम से कम है। एक पाउंड दो पाउंड ये 1 किलोग्राम से भी कम है, यानी तीन पाउंड में 1 किलोग्राम 361 ग्राम है। तो आपने FPS पद्धति में देखा कि लंबाई का मात्रक फुट या फिट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड या इसी को पाउंड भी कहते हैं, समय का मात्रक सेकंड है। तो ये FPS पद्धति हुआ। इस प्रकार से आपने तीनों पद्धतियों को पढ़ा। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि जो आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी उसका संकेत जो है SI है, उसको हम SI पद्धति कहते हैं। वह सर्वमान्य है यानी आजकल वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, SI पद्धति। और इस पद्धति का नाम क्या है, SI पद्धति, SI पद्धति इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब देखिए SI पद्धति है क्या, SI पद्धति का पूरा नाम जान लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं SI पद्धति। SI पद्धति इसको शॉर्ट रूप में कहते हैं। और ये जो शॉर्ट रूप है SI पद्धति का, इसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यूनिट्स ये है इसका नाम, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यह है SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। और सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है, यानी यह मापतौल की पद्धति है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यही ना, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसी को हम SI पद्धति कहते हैं। और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। और इस पद्धति में सात मूल मात्रक हैं, सात मूल मात्रक कौन कौन से, मीटर जो आपको हम बताए हैं पीछे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर जो हमने आपको बताया है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और ताप का मात्रक है केल्विन और जो तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, इसके पश्चात जो पदार्थ की मात्रा है उसका मात्रक है मोल। तो ये SI पद्धति में यानी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है ये हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त दो मात्रक और हैं जो समतलीकोण और समतलीकोण के मात्रक को हम रेडियन तथा घन कोण के मात्रक को स्टेरेडियन कहते हैं। ठीक, दो अन्य मात्रक हैं, ये तो सात मात्रक हुए ही, जो आपको हमने सात मूल राशियां बताई हैं, सात मूल राशियों के सात मूल मात्रक बताए हैं, उनके सातों को संकेत बताए हैं। इसके बाद दो अन्य मात्रक हैं जो आपका है, एक समतलीकोण जिसका मात्रक क्या है रेडियन, दूसरा क्या है घन कोण जिसका मात्रक क्या है स्टेरेडियन। ठीक, ये दोनों क्या हैं, पूरक मात्रक हैं, ये दोनों पूरक मात्रक हैं। तो इस प्रकार से SI पद्धति में कुल नौ मात्रक हुए। और नौ मात्रक में सात मूल मात्रक हैं, सात मूल मात्रक हैं और उसके बाद क्या बच रहे हैं, दो, दो कौन से हैं, पूरक मात्रक हैं। तो इस प्रकार से SI पद्धति में सात मूल मात्रक और दो, दो यह जो है कौन से मात्रक हैं, पूरक मात्रक हैं। सात मूल मात्रक में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडिला और इसके बाद आपका है, एक छूट गया बीच में, एम्पियर और मोल, ये सात मूल मात्रक हैं। और दो अन्य मात्रक कौन से हैं, समतली कोण का मात्रक है रेडियन और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। इसके पश्चात ये जो SI पद्धति में, यह SI पद्धति में हैं कुल नौ मात्रक, SI पद्धति में जो मात्रक हैं इनकी परिभाषाएं हैं।
तो आज आपने एसआई पद्धति के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात की वीडियो को हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।